और आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों के हाथ में रिज़ल्ट कार्ड है और माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से दोनों बच्चे पास हो गए हैं। और लेकिन फिर भी थोड़ा इब्राहिम रैंक नहीं ले पाए इस बार, हमेशा फर्स्ट आते हैं तो थोड़े सैड हैं। और इनके बाबा इनको चेयरअप करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, और इनके बाबा इस काम में कोशिश में कामयाब भी हो गए हैं। और ये इनके दिमाग में आ गई है कि हाँ जी रैंकिंग से कुछ नहीं होता और अच्छे मार्क्स आने चाहिए, परसेंटेज आने चाहिए। तो देखें ये बहुत खुश लग रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं, ये कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, तो साथ में हमारी पहली तरजीह तो कुरान है, तो अब ये कुरान पढ़ रहे हैं तो इसमें इनके अकेडमिक मार्क्स तो थोड़े कम आ गए। अब हम इनको बच्चों को गिर्द लाने के लिए लेकर गए हैं, देखें बहुत अच्छा मॉल सजा हुआ था और बच्चे बहुत खुश हो गए। छोटी छोटी खुशियां हैं, सेलिब्रेट करनी चाहिए हमें। फातिमा आप अपना गिफ्ट शो कराएं कि आपको कौन सा गिफ्ट मिला, बाबा ने आपको कौन सा गिफ्ट दिलाया। मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स मैंने अपनी पसंद से लिया और एक पेंसिल। आपका ज्योमेट्री बॉक्स शो नहीं हो रहा वीडियो में, थोड़ा सा ऊपर करें। वाओ पिंक कलर का फेवरेट जो कलर है, बहुत प्यारी है ज्योमेट्री बॉक्स। और आपने इसको सेट भी कर लिया है, दिखाएं कैसे है। अच्छा इसमें कलर का पोर्शन अलग है और आपको अच्छी लगी, अपना गिफ्ट अच्छा लगा आपको, बहुत ही प्यारा है। ये बताएं भैया क्यों उदास हैं? भैया तो अपनी पसंद का गिफ्ट नहीं मिला। भैया ने क्या लेना था? कलर लेने थे भैया ने, भैया को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, बाबा जो है भैया को फिर से लेकर जाएंगे और भैया को उनकी पसंद का गिफ्ट दिला देंगे, कलर दिला देंगे, ठीक है। और ये मेरे शर्ट वाले तो हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। कैसे फातिमा? फातिमा बहुत मजे का करती हैं, कैसे? ये लाइट पिंक तो बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा है। अच्छा चले हम किसी दिन अपनी ड्राइंग भी दिखाएंगे, आपकी ड्राइंग भी दिखाएंगे सबको। आपके सरप्राइज है जी। क्या सरप्राइज है? आप तो चले नहीं मिले थे ना? नहीं बाबा, तेरी राय है। वाओ ये रूबी क्यूब है ना? हाँ। अरे ये तो उससे भी अच्छा है, इसको हम यूं यूं घुमाते हैं और सॉल्व करते हैं ऐसे। इस पे भी हुआ है कलर है, इसको स्क्रैम्बल करते हैं ऐसे। वाओ ये तो बाबा बहुत अच्छा ले आए। देखिए गाइस ये स्क्रैम्बल है अभी और ये सॉल्व होता है, ठीक है। ये स्क्रैम्बल है, ये भी गाइस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और मैं तो चला बाबा को थैंक यू करने और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी, जो हमारी छोटी छोटी शरारतें होंगी और हमारी मजे मजे की बातें आई थी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय। ये लीजिए जनाब एक और सरप्राइज़ हो गया, ये इब्राहिम और फातिमा के खालू अब्बू और खाला अम्मी की तरफ से ये सरप्राइज़ बॉक्स आया है। और इसमें क्या गिफ्ट है ये भी एक सरप्राइज़ है। तो इब्राहिम जो है ये ओपन करने लगे हैं बॉक्स को
और बच्चे बहुत मतलब क्यूरियोसिटी में हैं कि इसके अंदर है क्या। आपको पता है बच्चों से वैसे भी इंतज़ार नहीं होता है, अब उनको गिफ्ट मिला है तो अब वो देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, और ये ओपन कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या मिला है, मगर वो किसी और वीडियो में क्लिप बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारी वीडियो का वैसे भी लास्ट हो गया था और ये हमें अचानक से ये पैक मिला, तो हमने सोचा कि ये आपसे भी शेयर किया जाए कि इसमें क्या है। इब्राहिम से नहीं खुल रहा था तो इनके बाबा ने इब्राहिम की हेल्प करी और अब ये खुलने लग गया और ये गिफ्ट निकलने लग गए। अब सब अपने अपने गिफ्ट के लिए हैं, इब्राहिम अपने गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, देखें क्या निकलता है। ये पैकेट बने हुए हैं और इन पैक को बाद में खोलेंगे, तो जब हम आपसे शेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या है। कपड़े नज़र आ रहे हैं, फातिमा के कपड़े हैं और इब्राहिम के कपड़े हैं, और बॉक्स खाली हो गया है, तो जो कुछ है इस पैक के अंदर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।